में उबलता दर्द मैं कब तक छुपाए रखूं। मैं सामने वाले को दर्द देना नहीं चाहता, लेकिन मुझे कितना दर्द हो रहा है क्या वो ये जानता है? हाँ नताशा भाभी, अरे 2:30 बज गए हैं, अतुल भैया अभी तक दुकान नहीं पहुंचे। लेकिन हार्दिक, वो तो 1 बजे के आसपास ही डब्बा लेकर निकल गए हैं यहाँ से। 1 बजे तो भाभी अभी तो फिर 1 घंटे के ऊपर हो गया है। अरे भावना, तुम्हारे अतुल भाई डब्बा लेने आए थे ना, तुमने डब्बा उनके हाथों में ही दिया था ना? हाँ, अतुल भाई आए तब डब्बा तैयार था, उन्होंने डब्बा लिया और वो सीधा निकल गए। आपके पसंद का उंधियू बना भी अतुल भाई। जो हवाओं ने रुख बदल दिया है उन्हें कैसे बदलूं, या फिर उन्हें सही रुख पे लाने की कोशिश ही छोड़ दूं? अरे मैं लगातार फोन कर रहा हूँ, रिंग जा रही, उठाई नहीं रहे। हार्दिक, कहीं किसी काम से रुक तो नहीं गए? पर भाभी ऐसा होता तो वो मुझे फोन या मैसेज कर देते, और वैसे भी डब्बा लेकर भाई सीधे दुकान पर ही आते हैं। सुते हो नताशा? तारा अतुल भाई दुकाने पहुंचे आज ना थी। क्या कर ही गया हसे? किसी फ्रेंड के पास गए होंगे। अतुल देसाई का दिल और दिमाग दोनों परेशानी की गिरफ्त में थे। उस दोपहर को खाने का डिब्बा लेकर अतुल को अपनी हार्डवेयर की दुकान पर पहुंचना था, लेकिन अतुल खून में लथपथ सड़क के किनारे पाया गया। किस दर्द का शिकार हुआ था अतुल? उसके दिमाग में ऐसी कौन सी हवा चल रही थी जिसने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया था? अरे लाजी, क्या हुआ? बटाटे की बोरी किधर है? दामोदर से मैं बटाटे वाले के पास गया ही नहीं। क्यों? मैं बटाटा लेने यहाँ से निकला तो था, लेकिन यहाँ से 2 मिनट दूरी पर सड़क पर एक आदमी पड़ा हुआ है, लगता है उसका एक्सीडेंट हुआ है। कौन है वो आदमी? ये सर, अरे ये तो हार्डवेयर की दुकान वाला अतुल देसाई है। सर, ये लाल जी है, मेरा नौकर, बटाटा लेने गया था, उसने रास्ते में ये सब देखा, इसने हमको बताया और हम तुरंत यहाँ पहुँच गए। सर मर चुका, सिर के पीछे गहरी चोट लगी। अतुल देसाई नाम है इसका। सर हम एक ही गांव के, इसका मेटल मार्केट में हार्डवेयर का दुकान है। घर का एड्रेस क्या है? भागीपुर में रहते दोनों भाई, ये और इसका छोटा भाई हार्दिक, उसको भी मैंने फोन करके बुला लिया है, वो आता ही होगा। सर हो सकता है हिट एंड रन का केस हो, किसी ट्रक या बड़ी गाड़ी ने उड़ा दिया होगा। टक्कर लगने के बाद सड़क के बीचों बीच गिरा, पर चोट सिर्फ सर के पीछे लगी है, बॉडी पे और कहीं कोई चोट नहीं है। तो ऐसे में सिर किस चीज से टकराया होगा? सर जिस भी चीज से टकराया होगा टक्कर बड़ी जोरदार होगी, क्योंकि सर पीछे से पूरी तरह फट गया है।
क्या हुआ दामोदर भाई? और देख, लगता है अतुल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या सर, मेरा भाई का है। आप? मैं हार्दिक देसाई सर, अतुल देसाई का छोटा भाई सर। वो मेरे भाई की बाइक है सर। मेरा भाई का है? हार्दिक वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं सर, क्या क्या बोल रहे सर? सर मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए सर। मेरा भाई कहाँ है सर? मुझे मेरे भाई से मिलना है सर। अतुल भाई, अतुल भाई, अतुल भाई क्या हुआ? अतुल भाई, अतुल भाई उठो, अतुल भाई, अतुल भाई, अतुल भाई उठो, अतुल भाई। हार्दिक लग तो एक्सीडेंट रहा है, पर कुछ और मामला भी हो सकता है। कुछ और मामला क्या होगा सर? आप लोग क्या बोल रहे हैं मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप अपने आप को संभालिए और अपने घर में इन्फॉर्म कर दीजिए। पोस्टमार्टम के बाद हम बॉडी आपको हैंडओवर कर देंगे। हार्दिक हुआ क्या है? भावना, नताशा भाभी को लेकर जल्दी से एलएनसी हॉस्पिटल आ जाओ, अभी निकलो। हॉस्पिटल क्यों? अतुल भाई कहाँ है? भावना मैं फोन पे नहीं बता सकता, तुम बस भाभी को लेकर निकलो जल्दी से, अभी। क्या हुआ, क्या हुआ भावना? क्या कहा हार्दिक ने? पता नहीं नताशा, ये हार्दिक ठीक से कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसने सिर्फ इतना कहा कि तुरंत भाभी को लेकर एलएनसी हॉस्पिटल आ जा। पर हॉस्पिटल में क्यों? तू चिंता ना कर नताशा, सब ठीक होगा। हम एक काम करते हैं, हम पिंकी को उसके स्कूल से लेते हैं और फिर हॉस्पिटल जाते हैं। नहीं भावना, ये हार्दिक कुछ छुपा रहा है। कुछ कुछ हुआ है अतुल को? अतुल देसाई की मौत हो चुकी थी, लेकिन जिस तरह से अतुल की मौत हुई थी उससे पुलिस के मन में शक की हवाएं चलने लगी थी। ये केस एक्सीडेंट का लग रहा था, लेकिन अंदर कोई और ही कहानी बाहर आने के लिए उमड़ रही थी। पुलिस के शक को यकीन में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, प्लीज कम। आपका शक ठीक था इंस्पेक्टर, ये किसी भी एंगल से एक्सीडेंट केस नहीं है। तो बॉल बैरिंग? यस, ये तो देसी कट्टे में इस्तेमाल होते हैं। सर पीछे से बुरी तरह फट गया है, ये छर्रे मुझे स्कल कैविटी के अंदर से मिले। इसलिए अजीब लग रहा था कि सिर पीछे से पूरी तरह से फटा हुआ है और बॉडी में और कहीं कोई चोट नहीं है। इसका मतलब सिर किसी चीज से टकराने की वजह से नहीं, बल्कि देसी कट्टे से पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट करने की वजह से फटा हुआ है। हार्दिक, हार्दिक क्या हुआ है? अतुल भाई कहाँ है? हार्दिक तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरे पति कहाँ है? भाभी, अतुल भाई नहीं रहे। जैसा कि हमें शुरू से ही शक था, आपके भाई अतुल देसाई की मौत एक्सीडेंट से नहीं, ये बॉल बेयरिंग से, ये देसी कट्टे में इस्तेमाल होते हैं। आप कहना चाहते हैं कि किसी ने अतुल भाई को गोली मारी है? गोली मारी है, और वो भी कत्ल के इरादे से, बिल्कुल करीब से, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। सिर का पीछे का हिस्सा पूरी तरह से फट गया है। लेकिन क्यों सर, कोई अतुल भाई को गोली क्यों मारेगा? सर आप लोगों से जरूर कोई भूल हो रही है। भूल तो उससे हुई है जिसने ये सोचा कि वो दिन दहाड़े कत्ल करेगा और बच जाएगा। बिजनेस में मेन पार्टनर कौन था? सर अतुल भाई बड़े थे तो वही मेन पार्टनर थे। मेन पार्टनर बड़े भाई घर पे खाना लेने जाते थे, आप नहीं? क्यों सर? कभी भी कोई भी चला जाता था सर, ऐसा कोई फिक्स नहीं था। उस दिन मैं ग्राहकों के साथ बिजी था, इसलिए अतुल भाई चले गए। घर में कोई टेंशन? कुछ भी नहीं सर, रत्ती भर भी नहीं। मैं और थे, और हमारी बीवियां भी आपस में सगी बहनें हैं। मेरी बीवी भावना नताशा भाभी की छोटी बहन है सर। दूर दूर तक कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी, सीधे साधे मेहनती लोग हैं सर। हार्दिक, कभी कभी सीधे साधे और मेहनती लोगों की जिंदगियों में भी टेढ़े मेढ़े मोड़ आते हैं, और ऐसे ही किसी टेढ़े मेढ़े मोड़ पर कोई घात लगाकर बैठा था जिसने आपके भाई की जान ले ली। वो जानता था कि आज अतुल देसाई ही घर पर खाना लेने जाने वाला है। कातिल ये भी जानता था कि अतुल देसाई को कैसे मारना है और कहां मारना है। कातिल आपके भाई अतुल देसाई पर
पूरी तरह नजर रखे हुए थे। कोई अतुल भाई पर नजर रखे हुए था, पर क्यों सर? उनका कत्ल करने के लिए, और कत्ल करने की कई वजह हो सकती हैं। जर जोरू जमीन, जिनकी वजह से नफरत, गुस्सा और जलन पैदा होती। सर, नफरत, गुस्सा और जलन, वो भी अतुल भाई जैसे इंसान के लिए, पर कोई ऐसा क्यों करेगा सर? वो अंदर नहीं आए थे, उन्होंने दरवाजे से ही डब्बा लिया और तुरंत निकल गए। देखिए, अतुल मारा गया, आपके पति का कत्ल हुआ है, और बिना किसी कारण के कोई कत्ल नहीं होता है। तो आप लोग मुझे सच सच बताइए, क्या अतुल का हाल फिलहाल में या कुछ टाइम पहले किसी से कोई झगड़ा हुआ था, या उसे किसी से कोई धमकी मिली हो? साहब, मैं बटाटे की बोरी लेने बाहर जा रहा था, तब मैंने देखा। और फिर इसने आकर मुझे बताया। आपने उस जगह से किसी को भागते हुए देखा था? नहीं साहब, नहीं देखा। बाईपास रोड है सर, दोपहर में ट्रैफिक एकदम कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर। अतुल इसी रास्ते से अपनी दुकान पे जाता था, क्योंकि उसके घर से मेटल बाजार तक पहुँचने का ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है। मेटल बाजार के अलावा ये रास्ता अहमदाबाद एक्सप्रेस वे और वडोदरा एक्सप्रेस वे से भी मिलता है, लेकिन ये जगह एकदम खाली रहती है, बिल्कुल सुनसान। हत्यारे भी ये बात जानते हैं। एक्चुअली वो अतुल की पूरी रूटीन से वाकिफ। अतुल कहाँ जाता था, कब आता था, सब पता था। सर, मैंने हार्दिक से बात की थी, उसका कहना है कि पिछले चार दिन से डब्बा लेके वही जा रहा था, सिर्फ आज ही अतुल गया था क्योंकि हार्दिक कुछ कस्टमर्स के साथ बिजी था। और हत्यारे इसी मौके की तलाश में थे। सर, मेटल बाजार में पूछताछ शुरू करता हूँ। बिल्कुल करो, ऊपर से भले ही सब कुछ अच्छा लगता हो, लेकिन हर धंधे में कुछ तो गंदा होता ही है। छह साल पहले अतुल ने बड़ी मेहनत से हार्डवेयर की दुकान शुरू की थी, जो वो और उसका छोटा भाई हार्दिक मिलकर चला रहे थे। दोनों भाई वडोदरा के पास के एक छोटे से गांव को बिलोंग करते थे और बड़े शहर आए थे काम करने के लिए। देसाई भाइयों को रोजगार मिला हार्डवेयर मटेरियल बनाने वाली एक फैक्ट्री में, जो उन्हीं के मामा प्रेमचंद हिरानी चलाते थे। सर, प्रेमचंद हिरानी अतुल और हार्दिक के मामा, उस हार्डवेयर की दुकान में उन्होंने पैसा लगाया था। इस हार्डवेयर की दुकान में अतुल और हार्दिक दोनों भाइयों की बराबर की पार्टनरशिप थी, राइट? नहीं सर, दुकान अतुल ने शुरू की थी अपने मामा प्रेमचंद की मदद से, फिर उसने हार्दिक को भी साथ में ले लिया। दोनों भाई साथ में दुकान चलाने लगे थे, काफी अच्छी चलती थी दुकान। इसका मतलब उस दुकान का अच्छा खासा मुनाफा उनके मामा प्रेमचंद हिरानी को जाता होगा, जिसका दूध उसी की मलाई, नहीं? दुकान के किराए से लेके सप्लाईज 100% इन्वेस्टमेंट प्रेमचंद हिरानी ने किया था। 50% मुनाफा लेता था, लेकिन कुछ समय बाद मुनाफा लेना बंद कर दिया। क्या उन लोगों की आपस में कुछ अनबन हुई? नहीं सर, प्रेमचंद हिरानी अतुल का हिसाब देखता तक नहीं था। सुना है कि दुकान के उद्घाटन के बाद वो दुकान में आया तक नहीं, अपनी फैक्ट्री में ही बिजी रहता है, और कुछ टाइम बाद मुनाफा भी लेना बंद कर दिया। मेरी सगी बहन के बेटे हैं दोनों, हमारी बेना ने जीजा छोटी उम्र में ही गुजर गए। अतुल बचपन से ही मेहनती था। आपने दुकान में अपनी भागीदारी क्यों छोड़ दी थी? जब अतुल ही पूरी दुकान संभालता था, तो मैं अपने 50% लेके क्या करता। दोनों मेहनती भाई की शादी भी हुई, दो बहनों के साथ, नताशा और भावना। वो दुकान इस घर को मेरी तरफ से भेंट थी, और अब देखो क्या से क्या हो गया। सर, दोनों बहनों नताशा और भावना के बीच भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अतुल ने नताशा से 7 साल पहले शादी की थी, और हार्दिक ने भावना से 6 साल पहले। अतुल और नताशा की एक बेटी है पिंकी, पर हार्दिक और भावना के कोई बच्चा नहीं है।
इस देसाई परिवार या फिर भावना और नताशा के परिवार में कुछ गड़बड़? सर मैंने पूछताछ की है। इस पूरे मेटल मार्केट में आपको कोई भी ऐसा व्यापारी या मजदूर नहीं मिलेगा जो अतुल देसाई और हार्दिक देसाई को न जानता हो। और साहब सभी लोग बहुत इज्जत करते थे दोनों की, अब ऐसे में कोई ऐसी वैसी खबर निकलने का चांस बहुत कम है, ना के बराबर। वो सब समझ गया पंकज, पर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। कुछ अंदर की बात बोल, दोनों भाइयों के बीच कभी कोई खिटपिट नहीं हुई कभी भी? नहीं साहब, अब अपन खबरी है, कोई अफवाहबाज नहीं है कि कोई गलत बात बोल दे, जो है सो है। अतुल और हार्दिक के बीच की जोड़ी मतलब राम लक्ष्मण टाइप जोड़ी थी साहब, बड़ा छोटे का दिल से ख्याल रखता और छोटा बड़े का आदर सम्मान करता साहब। धार्मिक सीरियल की स्क्रिप्ट मत सुना, कोई ढंग की टिप दे। लगा पड़ा हूँ साहब, अब दूरबीन लगाकर देखना पड़ेगा। पता लगा कि इस मीठे परिवार की दीवार पर कड़वाहट की दरार कहाँ पर है। इतनी मिठास के बीच कुछ ना कुछ खटास तो जरूर होगी, तभी अतुल देसाई का मर्डर हुआ और वो भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से। चाल जरा दूर फेंको, कट्टा मार्केट में छानबीन करो और सुपारी बाजार में कान लगाओ। आई एम श्योर कुछ ना कुछ हाथ जरूर आएगा। सर घर वालों के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक कर लेते हैं, क्या पता मामला घरेलू ही हो। तुरंत फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और मुझे इन दोनों बहनों भावना और नताशा से भी मुलाकात करनी है। घर की बातें घर वालियों से करेंगे। अंधेरे में भड़की आग कब तक छुपी रहती, लेकिन सामने आते ही उसे बुझा दिया गया। पर बुझी आग की राख में एक छुपी चिंगारी अब भी जिंदा थी, फिर भड़कने के लिए बेकरार थी। बुझ गए रिश्ते, जल गया इंसान। भावना? हाँ। पिंकी को तुम तैयार करके स्कूल भेज दो, नताशा भाभी से नहीं हो पाएगा। उसे दो चार दिन घर पे ही रहने देते हैं ना। नहीं भावना, बच्ची घर पे रहेगी तो और उदास होगी, कम से कम स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ उसका मन लगा रहेगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। अच्छा सुनिए, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। वो जब आप घर पे नहीं थे तो एक पुलिस वाली घर आई थी। पुलिस वाली यहाँ आई थी, क्यों? पता नहीं, बस उसने कहा कि उसके साहब को नताशा और मुझसे कुछ बात करनी है अकेले में। देखिए सर, अगर अतुल भाई को किसी भी बात की टेंशन होती तो अपने भाई यानी मेरे पति हार्दिक को बताते, या फिर अपनी पत्नी नताशा को, जो मेरी सगी बड़ी बहन है। लेकिन जब किसी ने भी किसी से कुछ नहीं कहा तो पता नहीं आपको ये टेंशन वाली बात क्यों दिख रही है। हमें सिर्फ टेंशन वाली नहीं, साजिश वाली बात भी दिख रही है, क्योंकि हमें देसी कट्टे के बारूद से सुपारी की बू आ रही है। सुपारी समझती है? किसी को पैसे देकर मरवाना। सर जी, शहर के हर छोटे बड़े गैंग में इंक्वायरी की, पर सुपारी की महक कहीं से नहीं आई। जिग्नेश मर्डर कट्टे से हुआ है, कट्टा बाजार से कोई खबर? सर जी, कट्टा बाजार में इतने नए खिलाड़ी आ गए हैं कि बेचने खरीदने वालों का हिसाब ही नहीं है। समझो मोबाइल फोन की तरह बिकता है कट्टा, और आजकल तो हर किसी की जेब में मिलता है। सर सारे फोन रिकॉर्ड्स खंगालें, अतुल और हार्दिक की आपस में बातचीत, घर वालों से बातचीत या फिर क्लाइंट्स के साथ, कुछ भी डाउटफुल नहीं है। पर ये उन दोनों की पत्नियां भावना और नताशा,
इनके फोन रिकॉर्ड्स में कुछ कर दो। नहीं सर, इनके फोन रिकॉर्ड्स में भी ऐसा कुछ नहीं मिला है जो इस केस से ताल्लुक रखता हो। बिजनेस में कंपटीशन या कोई नई पुरानी आपसी दुश्मनी, ये दोनों एंगल्स वीक लग रहे हैं। तो हो सकता है कोई तीसरा ही एंगल हो। क्या मतलब? क्या अतुल देसाई का किसी के साथ कोई अफेयर था? सर, मेरे पति को घर और दुकान के अलावा और किसी चीज के लिए वक्त नहीं था, ना ही उनकी ऐसी फितरत थी। ये खुदकुशी भी हो सकती है। क्या अतुल के पास खुदकुशी करने का कोई कारण था? सर, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप कुछ नहीं बोल रही हैं, कुछ सच है जो आप छुपा रही हैं। अगर आप वाकई चाहती हैं कि हम आपके पति के कातिल को ढूंढें और उसे सजा मिले, तो हमें पूरी बात बताइए। क्योंकि इतना तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पति अतुल देसाई की मौत एक्सीडेंट से बिल्कुल नहीं। सर, अब तक इस केस में कोई ठोस एंगल नहीं है हमारे पास। किसी ने हर एंगल पर पर्दा गिरा रखा है, लेकिन हम सारे पर्दे फाश करते रहेंगे। एक दुकानदार दोपहर में अपने और अपने भाई के लिए घर पर खाना लेने जाता है। वो डिब्बा लेकर निकलता है, लेकिन दुकान पर पहुंचने के बजाय रास्ते में उसकी लाश मिलती है। यस सर, और एक्सीडेंट का भी कोई निशान नहीं है। बंदे के सिर में कट्टे की गोली के छर्रे मिलते हैं। ये कोई सोचा समझा मर्डर हो सकता है, मिस्टेकन आइडेंटिटी हो सकती है, या फिर कोई बहुत ही उलझा हुआ सुसाइड केस। सर जी, एक लफड़ा तो हुआ था, पर आपके केस से कितना जुड़ा है वो मुझे नहीं पता। तुझे जितना पता है उतना बता, बाकी कनेक्शन हम जोड़ लेंगे। एक कपड़े का व्यापारी है, रंजीत पटेल नाम है। हेलो, हाँ जी, रंजीत पटेल बोलू छू, तमें कौन? हाँ हाँ जी, मैं जानता था अतुल देसाई को। और दूसरा है केतन मकवाना। कौन है ये केतन मकवाना? रंजीत पटेल का खास दोस्त है, बीमा बेचता है, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सीडेंट वगैरह। शुभ अच्छे रंजीत। और केतन, पुलिस नो फोन हो तो अतुल देसाई के बारे में? हाँ, मुझे भी थाने बुलाया और तुझे भी। ठीक है ना, मिलाते हैं। टेंशन क्या है? कुछ एक साल पहले ये रंजीत पटेल और केतन मकवाना अतुल देसाई के दोस्त हुआ करते थे, फिर उनमें कोई झगड़ा हो गया। किस बात को लेकर? सुना है किसी गाड़ी को लेकर आग भड़ गई थी। पता नहीं रुचि, अब बोल रहे कि अतुल देसाई का मर्डर हुआ है, उस सिलसिले में पुराने झगड़े टटोल रही होगी पुलिस, इसलिए बुलाया होगा। और क्या, वो झगड़ा तो कितना पुराना है, अतुल के मर्डर के साथ उसका क्या रिश्ता? उन्हें नहीं खबर बापू जी, अब पुलिस खुद बताएगी कि क्यों बुलाया है, और जो भी सवाल करेगी उसके सीधे सीधा जवाब दे दूंगा मैं। अब जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, और अपनी तरफ से सब क्लियर कट है, एक उंगली नहीं उठ सकती मुझ पर। ओके बापू जी, जाओ। काफी गहराई में खोदने के बाद आखिरकार पुलिस को अतुल के अतीत में एक खट्टा रिश्ता मिला। एक कार की वजह से अतुल देसाई अपने दो दोस्तों रंजीत पटेल और केतन मकवाना से दूर हो गया था, लेकिन दूर तो वही लोग होते हैं जो कभी नजदीक थे। जी हाँ सर, मेरी और अतुल की अच्छी दोस्ती थी कुछ सालों से। आप जी? मेरी दोस्ती रंजीत से है, इसने मुझे अतुल से मिलवाया था। वो क्या ना सर, 3-1 साल पहले मेरे पूरे घर का रिनोवेशन हुआ था, तो हार्डवेयर का जो भी सामान था वो मैंने अतुल की दुकान से मंगवाया, फिर वैसे हमारी जान पहचान हो गई और हम दोस्त बन गए। रंजीत साहब, इस वक्त मेरी दिलचस्पी आपकी दोस्ती में नहीं, दुश्मनी में। आपके और अतुल के बीच में क्या हुआ था? देखिए सर, मैं एक छोटा कपड़े का व्यापारी हूँ और अतुल एक छोटा सा हार्डवेयर का व्यापारी था। हमारी दोस्ती हुई और फिर हमने सोचा कि पार्टनरशिप में एक कार खरीद लेते हैं, दोनों के काम आएगी, और हमने वो कार खरीद ली। ये वही कार है जो अतुल देसाई के घर के बाहर पार्क रहती है? जी हाँ सर, ये वही कार है, और हमारे बीच में डील हुई थी कि हम ये कार हमारे पर्सनल काम के लिए यूज करेंगे। ये बात सच है सर, अतुल भाई और रंजीत भाई ने 50-50 पार्टनरशिप में वो कार खरीदी थी, और अक्सर हम लोग अपनी फैमिली के साथ उसी कार में बाहर जाते थे। और केतन,
रंजीत का दोस्त है? जी सर, केतन भाई और रंजीत भाई दोस्त थे और अतुल भाई से बाद में केतन भाई की मुलाकात हुई थी। ये झगड़ा कब हुआ था? तकरीबन एक साल पहले सर। कारण? वो मुझे पता चला कि अतुल वो कार चुपके से किराए पर चढ़ा रहा था, जबकि हमारे बीच क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हुई थी, डील हुई थी कि ये कार हम सिर्फ हमारे पर्सनल काम के लिए यूज करेंगे, किराए पर नहीं देंगे। मैंने गाड़ी किराए पे दी, किसने कहा तुमसे? किसी ने भी कहा हो, सच है या नहीं? एक, मैंने एक हाथ बार गाड़ी किसी दोस्त को चलाने के लिए दी, उसे किराए पे देना नहीं कहते, समझे? अतुल तुम्हारे दोस्त कौन कौन है ना सब पता है मुझे, सबकी खबर है। अरे पता चला कि तुम कार के बदले पैसे भी लेते हो? एक हाथ बार लिए होंगे यार। एक हाथ बार मतलब किराया किराया होता है। और हमारे बीच क्या डील हुई थी? कि हमारी गाड़ी हम सिर्फ हमारे घरों के लिए इस्तेमाल करेंगे, किराए पर देने के लिए नहीं, राइट? ठीक है, आगे से नहीं होगा। सॉरी अतुल, भरोसा टूट गया है और इसको जोड़ना मुश्किल है। और तू चाहे दुनिया के किसी हार्डवेयर स्टोर में चला जा, टूटे भरोसों को जोड़ने के लिए ना कोई तुझे गोंद मिलेगा ना ही स्क्रू। दोस्ती में झूठ खंजर की तरह चुभता है सर। उस दिन के बाद सब सब खट्टा हो गया और हम अलग हो गए। सर, अतुल भाई ने रंजीत भाई को कार का 50% पैसा लौटा दिया था और पूरी कार अपने नाम कर ली थी सर। मतलब कार मिली और दोस्ती गई? जी सर, कुछ ऐसे ही हुआ। उस दिन के बाद अतुल भाई और रंजीत भाई आपस में अजनबी से हो गए थे। और केतन मकवाना? सर, जब रंजीत ने दोस्ती तोड़ दी तो मैंने भी अतुल के साथ दोस्ती तोड़ दी। वैसे भी अतुल से मेरा कनेक्शन सिर्फ रंजीत के थ्रू ही था। एक गाड़ी के लिए दोस्ती खत्म? नहीं नहीं सर, सवाल गाड़ी का नहीं था, सवाल था नियत का, भरोसे का। हम धंधा पूरी ईमानदारी से करते हैं सर, और दोस्ती तो और भी ईमानदारी से। दोस्ती में बेईमानी मुझे कबूल नहीं होती सर। एक साल हो गया सर, मैं अतुल से कभी मिला ही नहीं और ना ही हमारी कोई बातचीत हुई। अब 4 दिन पहले सुना कि उसकी मौत हो गई। और हमने सुना कि आपके और अतुल के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था। झगड़े किसके नहीं होते सर जिंदगी में, और मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरे और अतुल के बीच जो गाड़ी को लेकर झगड़ा हुआ उसको लेकर आप मुझे अतुल की मौत का जिम्मेदार समझेंगे। मिस्टर रंजीत पटेल, अतुल देसाई का मर्डर हुआ है और उसकी तफ्तीश करना, उसके कातिल को ढूंढना हमारा फर्ज है। आपकी तरह कई और लोग भी हमारे शक के घेरे में हैं। जब तक ये केस चलता रहेगा हमारी शक की सुई घूमती रहेगी। थैंक यू। अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुलाऊंगा। रंजीत पटेल का कहना है कि अतुल देसाई ने उसे गाड़ी के बाकी पैसे दे दिए थे। हार्दिक ने भी ये बात कंफर्म की है। सर, कार के कारण दोस्ती टूट जाए ये तो समझ सकते हैं, पर इतनी गहरी दुश्मनी हो जाए कि मरने मारने पर आ जाए, और वो भी एक साल बाद। सर, मुझे लगता है अगर रंजीत ने अतुल को मरवाया है तो कार सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ चिंगारी। मतलब आग कहीं और ही लगी थी। पुलिस रंजीत और केतन से पूछताछ कर रही है। उस रंजीत का हाथ है? रंजीत पटेल ने अतुल को मरवाया। बोलो ना हार्दिक, क्या ये सच है? नताशा भाभी, ऐसा किसी ने कहा नहीं है, पुलिस बस नॉर्मल पूछताछ कर रही है ये जानने के लिए कि कार को लेकर क्या झगड़ा हुआ था। क्या सिर्फ एक कार की वजह से कोई अपने दोस्त का कत्ल कर सकता है? शायद कर सकता है, लेकिन इस केस में ये कार खुद कुछ कह रही थी। शायद उस कार के अंदर कुछ ऐसा था, उन दोनों की दोस्ती के बीच में कुछ ऐसा था जो उन दोनों के बीच आ गया। कोई किसी को मारे या मरवाए, कोई अपने आप थोड़ी बोलेगा कि हाँ भाई मर्डर हमने किया है। जिग्नेश, मामला गाड़ी का नहीं है, बात कुछ और ही है। केतन और रंजीत को उल्टा टंगाओ, अपने आप उल्टी कर देंगे। क्यों, कुछ सुना क्या उनके बारे में? हवा में उड़ते हुए कबूतर ने बताया कि रंजीत और केतन दोनों इस मर्डर में डायरेक्ट शामिल हैं, या उन्हें इस मर्डर के बारे में कुछ पता है। पर ताले हैं और जबान खुलवाना आपसे बेहतर और कौन जानता है।
अरे सर, कल ही तो सारा काम धंधा छोड़कर आपके वहां आकर बैठा था, जो था सब बता दिया। और कुछ बताना जैसा होता तो कल ही बता दिया होता ना सर। देखिए, सच सच बताया ना आपसे कि हाँ हुआ था मेरा झगड़ा वो अतुल के साथ एक साल पहले। अब एक 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 रात में नया क्या आ गया सर? रंजीत, अब क्या करें? क्या करें मतलब? देखा, पुलिस ने बुलाया तो जाना ही पड़ेगा ना। यार ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें सिर्फ हम पर ही शक है। उनका काम है शक करना, पर हमें किस बात का डर? हमने थोड़ी ना कोई गलत काम किया है। सुन, तू शांति से काम ले। पहुंच रहा हूं मैं वहां, तू टाइम पे पहुंच जाना। ठीक है। रंजीत, बात शू छे? क्यों इतना टेंशन में? कुछ समझ में नहीं आ रहा बापूजी। फिर बुलाया पुलिस ने। बार बार क्यों? कल ही गए थे ना, कल हो गया ना सब कुछ। नहीं मालूम मुझे रुचि, कुछ नहीं मालूम। और बस बुलाया तो जाना पड़ेगा। सर, रिंग जा रही है लेकिन रंजीत उठा नहीं रहा है। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? मुझे नहीं पता सर, हमारी आधे घंटे पहले बात हुई थी तो उसने कहा तू थाने पहुंच, मैं भी आता हूँ। तो वो कहाँ रह गया? भाग गया, फरार हो गया? कहाँ है तुम्हारा दोस्त, बोलो। रंजीत भागेगा क्यों? वैसे भी अतुल देसाई के मर्डर में हमारा कोई हाथ नहीं है। रंजीत पटेल के घर पर छापा मारो। ये दोनों मिलकर हमें भूल भुलैया में धकेलना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हम इन्हें ऐसी जगह धकेलेंगे जहां ये सब भूल जाएंगे, सिर्फ सच याद रहेगा। सो मेरे पति को आपके थाने के लिए निकले हुए एक घंटा हो गया। आपका फोन आया, फिर उसने केतन को फोन किया और आपके थाने के लिए निकल गया। निकल गया नहीं, भाग गया मिस्टर पटेल। मेरा बेटा क्यों भागेगा? उसने ऐसा क्या किया कि भागना पड़े? बच्चू भाई, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। अजीब बात है, रंजीत मेरा फोन नहीं उठा रहा। अजीब बात नहीं है, सच बात है। और सच यह है कि आपका बेटा रंजीत पटेल अतुल देसाई के मर्डर में शामिल है। नहीं, नहीं शामिल है। वो शामिल है। अपने बेटे से कहिए कि इस तरह भागना बेकार है, और उससे भी बेकार है आपका उसको बचाना और उसका साथ देना। नहीं सर, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे तो अपने बेटे की फिक्र हो रही है। वो पुलिस स्टेशन के लिए निकला था, गया कहाँ, क्या हुआ है उसे? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पता लगाइए, प्लीज पता लगाइए। वो तो हम पता लगा के ही रहेंगे, लेकिन जब तक आपका बेटा हमारी कस्टडी में नहीं आ जाता आप यहां से नहीं जा सकते। सर, रंजीत का फोन ट्रैक करने की रिक्वेस्ट डाल दी है, पर थोड़ा टाइम लगेगा। सर, अगर उसे भागना होता तो वो अपना सेलफोन क्यों ऑन रखता? मुझे लगता है रंजीत जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा इस खून में शामिल है। यही जानने के लिए तो हमने आपके बेटे और इन साहब को यहां बुलाया है। वो तो हम कल भी आए थे और ईमानदारी से सब कुछ बता कर गए। कल और आज में जमीन आसमान का फर्क है मिस्टर केतन मकवाना। हमें पता चला है कि आप कुछ ऐसा जानते हैं जो आपने कल नहीं बोला ईमानदारी से, जो हम आज आपसे बुलवाएंगे ईमानदारी से, और आप नहीं बोलेंगे तो हम बुलवाना चाहते हैं। केतन, तू कुछ जानता है क्या? ना काका, मुझे कुछ भी नहीं पता है। फोन उठाइए,
और अपने बेटे से कहिए कि भागना बेकार है, चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। स्पीकर मोड पर डालो। हेलो, रणजीत पटेल के पिताजी बोल रहे हैं? हाँ, वो मेरा बेटा है। वो कहाँ पर है? आप कौन बोल रहे हैं? चामुंडा सर्कल पुलिस स्टेशन से PI अजीत परमार बोल रहा हूँ। मैं इधर शक्तिनगर पुलिस स्टेशन में हूँ। PI परमार, मैं PI शैलेश अधिकारी बोल रहा हूँ शक्तिनगर पुलिस स्टेशन से। हमने रंजीत पटेल को पूछताछ के लिए बुलाया था। वो एक डेढ़ घंटा पहले घर से निकला था लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। क्या बात है? अधिकारी साहब, चामुंडा टेम्पल के पास हमें रंजीत पटेल की लाश मिली। नहीं, काका, विपुल, कल्पेश, काका, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। काका, ये कब हुआ? लगभग एक आध घंटे पहले। हमें PCR से कॉल आया था कि चामुंडा टेम्पल के पास कोई लाश मिली। लगता है सर कि इस तरफ किसी भारी चीज से वार किया गया। सर, इनके जेब से ये पर्स और मोबाइल मिला है। पर्स में कुछ मिला? हाँ सर, वोटर आईडी कार्ड मिला है। इस पर नाम लिखा है रंजीत पटेल। रंजीत के मोबाइल पर काफी सारे मिस कॉल्स थे, उसमें से आखिरी बापूजी का था तो हमने कॉल बैक किया। हमने रंजीत को यहाँ पुलिस स्टेशन बुलाया था लेकिन जब उसने रिपोर्ट नहीं किया तो हमने उनके पिताजी बच्चू भाई पटेल को यहाँ बुलाया। रंजीत के परिवार में से किसी को LNC हॉस्पिटल जाकर लाश की शिनाख्त करनी होगी। जी। क्या? ये कब हुआ? अभी अभी पता चला भाभी, रंजीत पटेल मारा गया है। सो गए हो नताशा? रंजीत पटेल का मर्डर हो गया है। क्या? हाँ, वो पुलिस ने उसे थाने बुलाया था अतुल के केस में पूछताछ करने। वो घर से निकला पर थाने नहीं पहुंचा। चामुंडा मंदिर के पास उसकी लाश मिली। एक और मर्डर केस इंस्पेक्टर, और सर पे किसी भारी चीज से वार नहीं हुआ है। तो फिर बहुत नजदीक से मारी गई। पॉइंट ब्लैंक रेंज। बिल्कुल अतुल के मर्डर की तरह है। कान के ऊपर पॉइंट ब्लैक रेंज से फायर हुआ है। ये छर्रे मुझे स्कल कैविटी के अंदर से मिले। राज और गहरा होता गया। जिस पर कत्ल का शक था, जिससे पूछताछ करनी बाकी थी, उस रंजीत का मर्डर हो गया। जब पुलिस को अतुल देसाई मर्डर केस में किसी भी एंगल से कोई सबूत नहीं मिल रहे थे, तब उन्होंने सुसाइड की पॉसिबिलिटी के बारे में भी सोचा था। लेकिन उतने में कार को लेकर हुए झगड़े की बात सामने आई और साथ में सामने आए दो नाम, दो सस्पेक्ट्स, रंजीत पटेल और केतन मकवाना। रंजीत पटेल घर से निकला था पुलिस स्टेशन के लिए और रास्ते में उसकी लाश पाई गई। क्या वो अतुल के मर्डर के बारे में वाकई कुछ जानता था? क्या छुपा रहा था रंजीत पटेल? और ये कौन था जिसने रंजीत को भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया था कट्टे के साथ? क्या ये वही कट्टा था, वही हत्यारा था जिसने अतुल को भी मार डाला था? पुलिस को अब ये तो स्पष्ट हो गया था कि इन तीन दोस्तों के बीच जो अनबन हुई थी, खासकर रंजीत और अतुल के बीच में, वो सिर्फ कार को लेकर तो कतई नहीं थी। माजरा क्या था ये अब सिर्फ एक ही शख्स बता सकता था और वो था केतन मकवाना। क्या केतन भी कुछ जानता था और कुछ छुपा रहा था? दो बड़े ही अजीब केसेस थे ये। पॉइंट ब्लैंक रेंज फायरिंग से दो लोग मर चुके थे। क्या ये दोनों कत्ल थे या इसमें खुदकुशी की संभावना थी? इसका खुलासा हम करेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। ज्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.